गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सेल्फ अजय गुंडावर, केमिस्ट्री फैकल्टी, आपके लिए लेकर आया हूँ फोर्थ लेक्चर ऑन पी ब्लैक, दैट इज ऑक्सोएसिड्स ऑफ हैलोजन। ये टॉपिक भी एक तरह इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑक्सोएसिड्स ऑफ हैलोजन। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरिन एटम, फ्लोरिन फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सोएसिड्स, बट रिमेनिंग अदर हैलोजन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सोएसिड्स, एंड दीज आर स्टेबल इन आइदर एक्वा सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर साल्ट्स। सो यहाँ देखो कितने तरीके के ऑक्सोएसिड्स है, चार तरीके के ऑक्सोएसिड्स रहेगा। एक तो फर्स्ट हाइपोहैलस एसिड, सेकंड हैलस, थर्ड वन हैलिक एसिड, फोर्थ वन पर हैलिक एसिड ग्रुप। सो इसमें फर्स्ट वन देखो, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सोएसिड, दैट इज HOF, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस। एंड सेकंड वन हैलस एसिड, ओनली क्लोरीन फॉर्म्स हैलस एसिड, दैट इज क्लोरस एसिड, थर्ड वन हैलिक एसिड। सो देखो हैलिक एसिड में हैलिक, क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक एसिड, फोर्थ वन पर हैलिक एसिड, पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक, पर आयोडिक। अगर इसमें देखा गया है हाइपोहैलस एसिड्स में सेंट्रल एटम का जो भी रहेगा क्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा प्लस वन, हैलस में प्लस थ्री, हैलिक में प्लस फाइव एंड पर हैलिक में प्लस सेवन। ये रहेगा ऑक्सोएसिड्स ऑफ हैलोजन के टाइप्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो बच्चों स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ HOCl, HOCl को क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस, HOCl को और HClO2, क्लोरस, HClO3, क्लोरिक, HClO4, पर क्लोरिन। इसमें इस क्लोरिन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, इस क्लोरिन का प्लस थ्री, इस वाले क्लोरिन का प्लस फाइव एंड इस वाले क्लोरिन का प्लस सेवन। ये रहेगा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स सिंपल रहेगा, ओके। बट नाउ वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑक्सो एसिड्स। सो फर्स्ट वन थर्मल स्टेबिलिटी। सो देखो लेफ्ट टू राइट, यहां इस क्लोरिन का HOCl में क्लोरिन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, इसमें प्लस थ्री, इसमें प्लस फाइव, इसमें प्लस सेवन। लेफ्ट टू राइट हियर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजेस। सो जस्ट रिमेम्बर एज द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस देन द बॉन्ड बिटवीन हैलोजन एंड ओ, हैलोजन एंड ओ इन द एसिड्स बिकम मोर एंड मोर कोवलेंट, हेंस थर्मल स्टेबिलिटी इज इंक्रीजेस। सो इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस थर्मल स्टेबिलिटी इज इंक्रीजेस। सो HOCl इज लेस देन विथ HClO2, इज लेस देन विथ HClO3, इज लेस विथ HClO4। सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर सेम बट सेंट्रल मेटल एटम्स आर डिफरेंट। सो देखो HOCl, HOBr, HIO। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज हैलोजन। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो लेफ्ट टू राइट थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम इज डिक्रीजेस बट हियर ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम। सो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस देन थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीजेस। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो बच्चों थर्ड वन एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ देखो क्लोरीन के ऑक्सोएसिड्स में हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है प्लस वन, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस सेवन। लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस। सो इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। सो क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक एंड हाइपोक्लोरस में क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट
acidic strength is increases. Next one, oxidizing power. इसमें देखो HOCl, HClO2, HClO3, HClO4. जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रहा है. सो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज XO bond becomes more and more covalent. Due to this, if oxidation number is increases, oxidizing power is decreases. इसमें second one, HClO3, HBrO3, HIO3 having same oxidation number, but central metal atoms are different. So देखो oxidizing power decreases with decrease in the electronegativity of halogen atom. So अपने को पता है chlorine से लेकर bromine, bromine से लेकर iodine electronegativity decrease हो जाएगा. So oxidizing power भी क्या हो रहा है decrease होता है. So इनका ही जो anion रहेगा oxo anion इनका stability देखो ClO4 minus is greater than with ClO3 minus, ClO2 minus and ClO minus. Next, basically अगर देखा गया तो इसका reverse case रहेगा. ClO4 minus is less with ClO3 minus, ClO2 minus, ClO minus. So more basic one is ClO, less basic one is ClO4 minus. More stable one is ClO4 minus, less stable one is ClO minus. This is about oxoacids of If you like my video, then like, share and subscribe with your friends. Thank you.